नमस्कार साथियों, मैं गंगाराम। आज का हमारा स्पेशल एपिसोड अप्रैल 2022 में तीन बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन को लेकर है। और यहाँ पर 12 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन कर चुके हैं। राहु और केतु, राहु मेष में आ चुके हैं, केतु तुला में आ चुके हैं। 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में आ चुके हैं और 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही दुर्लभ और एक अलग तरह का योग बन रहा है, जिसका लाभ भी होगा लेकिन दो राशियों को भारी नुकसान, शारीरिक हानि, आकस्मिक दुर्घटना के योग जैसी परिस्थितियाँ बनेंगी। साथियों, यहाँ पर बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे। बृहस्पति से ठीक एक राशि पहले कुंभ राशि में शनिदेव और एक राशि बाद यानी कि द्वितीय भाव में राहु। तो बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जिनकी सात्विक प्रवृत्ति है, महात्माओं वाला जिनका स्वभाव है, वह शनि और बृहस्पति इन दोनों ग्रह, शनि और राहु दोनों ग्रहों के बीच में आने से महाभयंकर पाप कर्तरी योग बनेगा। धनु और मीन दो राशियों के स्वामी बृहस्पति हैं और जिन राशियों के भाग्य के स्वामी हैं वह राशियों के खिलाफ षड्यंत्र, तंत्र मंत्र, बाधा, कुल मिलाकर के यहाँ पर पांच राशियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और इससे किस प्रकार आप अपना बचाव करें, आज की सेशन का, आज की वीडियो का हमारा यही विषय रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति के 29 अप्रैल के बाद दो पापक ग्रहों से घिर जाने के कारण धनु और मीन राशि वाले जातकों के लिए सीधा सीधा षड्यंत्र हो सकता है। शत्रु आपके सामने आकर आपसे लड़ाई नहीं करेगा बल्कि आपके अपने लोगों से मिलकर या आपकी कमजोरियां ढूंढकर आपकी जड़ें काटने का 200% प्रयास करेगा। बहुत ही सटीक तरीके से चीज़ों को समझने से, उपाय करने से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों के भाग्येश होते हैं। देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में अच्छा खासा महत्व रखते हैं। तो कर्क, सिंह और वृश्चिक तीन राशियाँ यह, धनु और मीन यह पांच राशि वाले जातकों को, चूंकि मीन राशि से राहु द्वितीय भाव में होकर अष्टम भाव पर दृष्टि रखेंगे तो सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों को है। राहु आपके वाणी, धन और कुटुंब में बैठ करके, आपके कुटुंब स्थान में बैठ करके आयु स्थान को देखेंगे, आपके अपने ही लोगों को आपके खिलाफ करके आपकी आयु में दोष पैदा कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। साथियों, पांच राशियों को सावधानी बरतनी है। अब सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करने हैं, यह भी आपको बताऊँगा। करक, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, धनु और मीन वाले जातकों को स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना है। करक, सिंह और वृश्चिक वाले जातकों को अपने बनते, उनके बनते हुए कार्यों को शत्रु बिगाड़ेंगे, षड्यंत्र योजना, बहुत सारी योजनाएं आपके खिलाफ बन सकती हैं। आपका कोई काम पूरी तरह से रनिंग में है लेकिन वह जीरो पर आ सकता है तो आपका धन अचानक से नष्ट हो सकता है। तो तीन राशि वालों को अपने कार्यों की और अपने धन की रक्षा करनी है, दो राशि वालों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। करनी कैसे है, देवगुरु बृहस्पति के अधिष्ठात्री देवता हैं भगवान नारायण, पूरे 1.5 साल तक यह संयोग चलेगा। चूंकि 1.5 साल तक राहु मेष राशि में ही रहने वाले हैं, आप ओम नमो नारायण इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें,
आप भगवान नारायण के सिद्ध स्थान में जाकर के भगवान नारायण की पूजा अर्चना भोग बलि भंडारा दान पुण्य जो भी कर सके वह करें, पूर्णिमा के व्रत करें। यह दान और मंत्र करना अक्षय हो जाएगा तीर्थ में करने से और आपके ऊपर आने वाली विपत्ति टल जाएगी। फिर भी ये पांच राशि एवं लगन वाले जातक किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका इस टाइम में जरूर दिखाएं, क्योंकि ग्रह स्थिति बढ़िया नहीं बन रही है। कामना करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।